नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, तो 7 चरणों वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म हो गया और मैं जानता हूं आप सब वही सवाल लिए मेरे सामने खड़े होंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश कौन जीत रहा है। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड कौन जीतेगा, पंजाब कौन जीतेगा, गोवा कौन जीतेगा, मणिपुर कौन जीतेगा। बहुत ज्यादा देर नहीं रह गया है, 10 तारीख को जो है नतीजे आने वाले हैं दोस्तों। मगर कुछ रुझान जरूर आने शुरू हो गए हैं और जब मैं रुझान की बात कर रहा हूं तो मैं एग्जिट पोल्स की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीतिक दलों के तेवरों की बात कर रहा हूं, मैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की असुरक्षा की बात कर रहा हूं और मैं चुनाव आयोग के बर्ताव की बात कर रहा हूं। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता है। सबसे पहले दोस्तों, आपके स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो पुलिस वाला है वो गुजरात पुलिस का है और जब ऊपर बैठे गुजरात पुलिस के कर्मी से किसी ने पूछा तो उसने कहा कि भाई योगी जी की ही सत्ता आने वाली है, यानी कि जिस शख्स के जिम्मे 7वें चरण के मतदान की सुरक्षा है वो खुलेआम पक्षपात कर रहा है, खुलेआम। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, योगेंद्र यादव ने इसे मुद्दा बनाया, समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह ने इसे मुद्दा बनाया और संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के हैं उन्होंने इसे मुद्दा बनाया। योगेंद्र यादव ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर देखिए। यह गुजरात पुलिस है जो उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न करने आई है। यह वीडियो आज 6 मार्च का है, नारायणपुर जिला मिर्जापुर से वाराणसी मार्ग पर। अब चुनाव आयोग का क्या कहना है, सवाल चुनाव आयोग से ही है। जब खुलेआम एक ऐसा पुलिस कर्मी यहां पर तैनात है जो इस तरह की बातें कर रहा है तो चुनाव निष्पक्ष कैसे होंगे। और आप जानते हैं, जैसे ही योगेंद्र यादव ने यह ट्वीट किया, पूरी जो भाजपा का जो प्रचार तंत्र है, भक्त मंडली, वो ये कहने लगे फेक न्यूज फर्जी खबर। बाद में मिर्जापुर पुलिस को सामने आना पड़ा, यह बोलना पड़ा कि नहीं साहब, फर्जी खबर नहीं है, बल्कि जो पुलिस वाला यह बात कह रहा था उसे हटा दिया गया है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों इस मुद्दे पर संजय सिंह ने क्या कहा है, जो कि आम आदमी पार्टी नेता हैं। संजय सिंह आपके स्क्रीन पर, क्या उत्तर प्रदेश चुनावों में खुलेआम धांधली की तैयारी चल रही है? गुजरात पुलिस चुनाव ड्यूटी पर है और योगी को जिताने आई है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, राजस्थान का बॉर्डर यूपी से लगता है तो गुजरात से पुलिस की वर्दी में ट्रेंड बीजेपी वर्कर क्यों बुलाए गए हैं? भाई बात तो सही है, यह आदमी जिस तरह से बात कर रहा था वो तो यही कह रहा था ना कि योगी आदित्यनाथ जीतेंगे, तो ये पुलिस कर्मी तो मुझे किसी भी सूरत में नहीं दिखाई देते। मैं चाहूंगा आप इस पुलिस वाले को सुने और फिर मैं आपको सुनाऊंगा कि समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर क्या करारा हमला बोला है। देखिए साहब, गुजरात वाले थोड़े खिलाफ होते हैं, क्यों खिलाफ नहीं होते हैं? योगी आएगा, इसे यूपी में योगी आएगा, इसीलिए आए हो आप? हाँ, इसलिए आए हैं, योगी आएगा, योगी। खुलेआम, खुला खेल फरुखाबादी। समाजवादी पार्टी ने भी दोस्तों इस पर करारा हमला बोला है। पार्टी के नेता आईपी सिंह ने क्या कहा, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार गुजरात पुलिस को चुनाव में धांधली के लिए मोदी सरकार ने लगाया है। जब बिहार, झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि राज्य सटे हुए हैं तो फिर गुजरात पुलिस को पिट्ठू चुनाव आयोग ने 7वें चरण में क्यों लगाया? चुनाव आयोग की हालत बहुत खराब है दोस्तों, पूरी तरह से नतमस्तक हो चुकी है बीजेपी के सामने और यह जो मिसाल है वो बहुत ही शर्मनाक मिसाल है। इससे पता चलता है कि घोर पक्षपात चल रहा है, इनमें फेयर प्ले नाम की रत्ती भर चीज नहीं है दोस्तों। पहले तो भाजपा का प्रचार तंत्र इसे फेक न्यूज बताता है, फिर मिर्जापुर पुलिस को सामने आना पड़ता है कि साहब जो व्यक्ति ये बात कह रहा था उसे हटा दिया गया। मेरा कुछ और सवाल है आपसे, एक व्यक्ति को तो आपने हटा दिया है, मगर क्या आप मुझे भरोसा दिला सकते हैं कि गुजरात पुलिस से जो आप तमाम पुलिस कर्मियों को लाए हैं, तैनाती की है उनकी,
उनमें से अधिकतर की सोच ट्रेंड बीजेपी वर्कर्स की तरह नहीं है। क्या यह भरोसा दिलाया जा सकता है? मैं आपको आगे जाके बतलाने वाला हूं दोस्तों कि चुनाव आयोग की तरफ से ये जो बार बार गलतियां आ रही हैं उसका क्या नुकसान देश के लोकतंत्र को हो रहा है। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कहा है जो आपके स्क्रीन्स पर आने वाला है। ईवीएम पर निगरानी के लिए 2 दिन की छुट्टी रखें किसान, वोटों की गिनती में हो सकती है गड़बड़ी, कह रहे हैं राकेश टिकैत। सुनिए राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। और ये करेंगे रपड़ी भाई, वोट 8 दे रखी उसकी गिनती ठीक करवाइयो, देखने आए यहाँ पर, दोनों चीज यही है। तो सब किस तरह की आशंका है, कोई गड़बड़ी हो? ये जोनसी यूनिवर्सिटी है ना इनकी, वे हारे हुए को जीत कर पास कर दे, वे अपनी को निगार आ गयो भाई, ये हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट देंगे। कुछ आधार कुछ सुराग है आपके? हाँ, पहले जिला पंचायत में उन्होंने कराया सही, क्योंकि चोरी करने वाले को रास्ता पता चलेगा चोरी कैसे करता है, वो उसी रास्ते से दोबारा आएगा, अपने को निगार रखियो, ये गांव वालों ने बताया हमें भी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ आप एक ऐसी गुजरात पुलिस को तैनात कर रहे हैं जिसके लहजे में साफ तौर पर पक्षपात दिखाई देता है, दूसरी तरफ किसान नेता साफ तौर पर कह रहा है कि किसान ईवीएम्स पर नजर रखें। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि लोकतंत्र की इस बेहद खूबसूरत प्रक्रिया में अब विपक्ष का एतबार नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो मानकर चल रही है कि वो ये चुनाव जीत रही है। 10 तारीख को अगर ऐसे नतीजे आते हैं जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं है, तब उनके कार्यकर्ताओं में गुस्सा आएगा ना। और मैं जानता हूं कि उसके बाद कई लोग कहेंगे कि अंगूर खट्टे हैं और हार को हजम नहीं कर पाई समाजवादी पार्टी, जो सही भी है। मगर मैं एक सीधा सा सवाल कर रहा हूं कि चुनाव आयोग पारदर्शिता से काम क्यों नहीं कर रहा? क्या वजह है कि चाहे विपक्ष के नेता हो चाहे किसान हो, तमाम लोग इनकी पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं? आपके सामने देखिए दोस्तों, मैं आज समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर गया, आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी ने धांधलियों की कितनी शिकायतें की हैं। इतनी धांधलियां तो किसी चुनाव में नहीं हुई, कितने शर्म की बात है दोस्तों। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं दोस्तों, यह बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है, और जीत के लिए वो विपक्ष के नेताओं पर अनर्गल हमले भी कर रही है। मसलन उन्होंने गाना जारी किया है जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को टोटी चोर बताया है। अब आप जानते हैं समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को चिलम बाबा बताते हैं, अब एक पक्ष किसी को चिलम बाबा क्यों कहता है मुझे नहीं पता, ये भाई अखिलेश ही बताएं। और उसी तरह से बीजेपी उन्हें टोटी चोर क्यों कहता है, उसकी भी वजह साफ है, क्योंकि भाजपा का जो प्रचार तंत्र है वो अक्सर कहता है कि 2017 में जब अखिलेश यादव ने अपना बंगला खाली किया था तो जो टोटियां लगी हुई थी नल की, वो उसे चुरा कर ले गए थे। अब इन्होंने बाकायदा इस पर एक गाना बना दिया है, ये गाना सुनिए दोस्तों 10-15 सेकंड का, फिर मैं चर्चा करता हूं इसकी। योगी जी की बात सुने सब बोलत ऐसन बोल, योगी जी की बात सुने सब बोलत ऐसन बोल, अरे ओकर वाणी के सुन है जे ले गया टोटी खोल। तो सुना आपने भाजपा क्या कह रही है दोस्तों, पूरा एक गाना बना दिया साहब इस पर। भाजपा कह रही है टोटी टोटी करके भैया जीभ गइल बा सूझ, आते ही चुनाव के अखिलेश बबुआ भइल कंफ्यूज, जोगीरा सारा रा 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 रा, जोगीरा सारा रा 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 रा। अब इसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने क्या कहा है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। चिलम से, आप जानते हैं समाजवादी पार्टी ये मानती है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपने घर में बैठ के चिलम पीते हैं, इसलिए उन्होंने चिलम पर तंस कसा है। ये देखिए साहब, चिलम से धुआं उड़ावत उड़ावत बब्बा का मुंह गया है सूज, 10 मार्च के मठ वापसी तय है, जावे मठमा मारे फूंक,
जोगीरा सारा रारा। आगे अब दूसरा सुनो बीजेपी, टोटी टोटी खोजत खोजत संघ की शाखा में गए भाजपाई घुस, आपस में टोटी टोटी खेलत खेलत कौन सी जगह गई है सूझ, जोगीरा सारा रारा। अब भैया समाजवादी पार्टी वाले किस जगह को सुजाने की बात कर रहे हैं ये तो वही जाने बेहतर, मगर हो क्या रहा है दोस्तों, क्योंकि होली के मौसम की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अक्सर होली में कभी कभी जब हम मजाक करते हैं तो ये जोगीरा सारा रारा वाला जो हिसाब किताब होता है, यानी कि वो अंदाजे बयां होता है, और जैसे कहते हैं ना बुरा ना मानो होली है, ये दोनों पार्टियां वक्त से पहले होली मना रही हैं और इसकी मिसाल ये है। दोस्तों मेरा क्या मानना है मैं आपको बताता हूं, वैसे तो मजाक की कोई हद नहीं होनी चाहिए, मगर अगर आप मजाक के जरिए किसी पर निजी हमले कर रहे हो और एक झूठ का प्रचार प्रसार कर रहे हो तो उस पर एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, मगर जैसे मैंने कहा ना ये आप पर है कि आप किस पर किस तरह का मजाक करना चाहते हैं, मजाक तक सीमित हो बात सही है, मगर जहर नहीं होना चाहिए, जहरीला प्रचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस जहरीला प्रचार का यही मतलब मकसद होता है कि आप लोगों में बंटवारा पैदा करें, लोगों में खाइयां पैदा करें, यह चीज नहीं होनी चाहिए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, मुझे डर था उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले कि सांप्रदायिक दंगे भड़काने का पूरा प्रयास किया जाएगा, और मुझे यह भी लगा था कि यह पहल बीजेपी की तरफ से होगी, बीजेपी ने ऐसा किया भी मगर जनता ने उन्हें लिफ्ट नहीं दी। मुझे खुशी है दोस्तों कि उस तरह का जहरीला प्रचार इन चुनावों में शुरुआत में थोड़ा सा हुआ बाद में नहीं हुआ, इस बात की मुझे बेतहाशा खुशी है। और मैं जानता हूं आपके जहन में अब भी वही सवाल होगा कि यह चुनाव कौन जीतने वाला है, इसलिए मैं आपके सामने ये चार चेहरे पेश करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव। मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताऊंगा कि इन चुनावों के क्या मायने हैं हर शख्सियत के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत जाती है और 200 से ऊपर सीटें ले आती है तो यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर सवार होकर 2024 जीतना चाहेंगे। तो कहा जा सकता है कि जैसे ही आप उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतते हैं 2024 की राह उनके लिए बहुत आसान हो जाती है। अब इस शख्स पर गौर करें यानी कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कंफर्टेबली यह चुनाव जीत जाए, क्योंकि अगर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आती है यानी कि 200 से कुछ कम और अन्य दलों की जरूरत पड़ती है सरकार बनाने के लिए तो एक बात तय मानी जा रही है कि फिर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं वो फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उस बात को लेकर पार्टी के अंदर यानी कि बीजेपी के अंदर से, खासकर उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर से आवाजें बुलंद होने लगेंगी और बगावत का झंडा खड़ा हो जाएगा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के खिलाफ। इसलिए उनके लिए बहुत जरूरी है कि बीजेपी ये चुनाव बहुत ही कंफर्टेबली जीते, और अगर भारतीय जनता पार्टी एक सुनामी के जरिए चुनाव जीत जाती है तो इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद का दावेदार जो है वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हो जाएंगे और फिर वो अमित शाह से कहीं ज्यादा ऊंचे हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वो धार्मिक पृष्ठभूमि के हैं। अब उनकी हरकतें धार्मिक आध्यात्मिक हैं या नहीं उस पर विवाद जरूर है, मगर एक मठ के महाराज रहे हैं, गेरुआ भगवा वस्त्र पहनते हैं, तो भाजपा की जो धार्मिक इकाई है वो पूरी तरह से उनके साथ है, और ऐसे में अगर 250 से ऊपर या बहुत जबरदस्त सीटें उन्हें मिल जाती हैं तो यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सही मायने में वो उत्तराधिकारी हो जाएंगे। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने ये चुनाव बहुत जबरदस्त लड़ा है दोस्तों, बहुत जबरदस्त लड़ा है, क्योंकि उनके खिलाफ इनकम टैक्स थी, उनके खिलाफ पूरा प्रचार तंत्र था,
इनकम टैक्स की हालत तो ये हो गई दोस्तों कि पीयूष जैन नाम के एक व्यापारी पर रेड पड़ी, उसके घर से 200 करोड़ सामने आया और आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी। उस पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से कोई लिंक नहीं था, मगर भाजपा के प्रचार तंत्र ने, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने, अमित शाह ने मंच पर खड़े होकर झूठ बोला, गलत बयानी की कि पीयूष जैन के ताल्लुकात समाजवादी पार्टी के साथ हैं। उसी तरह से भाजपा का जो पालतू मीडिया है, क्योंकि आप जानते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार ने करोड़ों रुपए न्यूज चैनल्स को दिया हुआ था, उस न्यूज चैनल ने, उन न्यूज चैनल्स के अंदर एक अलिखित फरमान था कि अखिलेश यादव की रैलीज को ना दिखाया जाए। उल्टा उनके पत्रकार लगातार अखिलेश पर हमला बोलते रहे, मगर अखिलेश ने किसानों से सबक लेकर गोदी मीडिया पर प्रहार बोलना शुरू किया। और मैंने, जैसे कि आप जानते हैं, इस पर कई बार कार्यक्रम किया। अगर अखिलेश यादव ये चुनाव जीत जाते हैं तो यकीन मानिए उनका जो कद है वो बहुत ऊंचा हो जाएगा भारतीय राजनीति में, क्योंकि उनकी ये जीत पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की जीत से भी बहुत बड़ी हो जाएगी। बड़ा प्रश्न, क्या उसके बाद अखिलेश यादव की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं शुरू हो जाएंगी? इस पर हमें गौर करना पड़ेगा। मगर जैसे मैंने कहा ना, दिल्ली अभी दूर है। अगर अखिलेश हार गए तो समाजवादी पार्टी के अंदर एक बिखराव शुरू हो सकता है। यही नहीं, यह सवाल भी खड़ा होगा कि अखिलेश यादव पिछले 6-7 महीनों में एक्टिव हुए हैं, मगर जब भी कोई बड़े बड़े मुद्दे आए, मसलन कोरोना हो, हाथरस हो, उन्नाव हो, तब अखिलेश यादव वहां नहीं पहुंचे। उल्टा लखीमपुर खीरी कांड भी हुआ, तब भी अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी नहीं पहुंचे, वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची। इसलिए उनसे यह उम्मीद की जाएगी कि वो एक 24 आवर्स राजनेता बने, एक 24 आवर्स पॉलिटिशियन बने। अब मैं बात करना चाहता हूं इनकी, यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा। देखिए दोस्तों, अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी, मगर प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव बहुत जबरदस्त लड़ा। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनके पास बूथ लेवल के कार्यकर्ता नहीं है, जातियों को समेटने वाले नेता नहीं है, जो कि अखिलेश यादव के पास हैं। मगर हां, इन चुनावों के जरिए कहीं ना कहीं उन्होंने नींव रखी है 2024 के चुनावों, लोकसभा चुनावों के लिए नींव रखी है, 2027 के उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए। मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा राजनीतिक चमत्कार ही होगा अगर कांग्रेस जो है वो 50 सीटों तक पहुंच पाए या 25 सीटों तक पहुंच पाए। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि राजनीति की खूबसूरत बात यही है कि यहां चमत्कार भी होते हैं और लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चुनाव किसके लिए क्या मायने रखते हैं, बौखलाहट हम कुछ दलों में देख रहे हैं साफ तौर पर, चुनाव आयोग पर सवाल लगातार किए जा रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं हमारी जो खूबसूरत लोकतंत्र है ना, उस पर दाग लग जाता है, हमें इससे बचना चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।